हेलो एवरीवन, ये है वीडियोस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं स्टैट प्रो ट्यूटोरियल सीरीज। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीज़मिक स्टैटिक और जिसको बोलते हैं हम सीज़मिक इक्विवेलेंट लैटरल फोर्स मेथड एनालिसिस किया था हमने। उसमें क्या होता था, हम बिल्डिंग के कोई भी एक बिल्डिंग है हमारे पास या स्ट्रक्चर है, उसमें लैटरल फोर्स अर्थक्वेक की वजह से जनरेट हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स, वो हमने कैलकुलेट किए थे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायनेमिक, यानी कि बिल्डिंग हमारी कैसे वाइब्रेट करती है जब अर्थक्वेक आता है तो, ठीक है, किस किस पैटर्न में वाइब्रेट करती है, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, उसका टाइम पीरियड क्या होता है, वो होता है हमारा डायनामिक एनालिसिस। तो इस वीडियो में हम दोनों करेंगे, पहले स्टैटिक और डायनामिक, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है स्टैटिक डायनामिक में पता चल गया आपको, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें पहले एक मॉडल बनाना होगा, तो जल्दी से एक छोटा सा मॉडल बना लेते हैं, लोड लगा लेते हैं, प्रॉपर्टी दे देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। न्यू प्रोजेक्ट स्पेस स्टैटिक एंड डायनामिक मीटर किलोमीटर एट बीम फिनिश। सबसे पहले एक जॉइंट बना लेता हूं मैं यहाँ पे, इस जॉइंट को मैं नोट कर्सर से सिलेक्ट करके ट्रांसलेट टूल यूज करके कुछ बीम्स बना लेता हूँ, फिर स्केप बटन से नॉर्मल कर्सर आ जाएगा, कंट्रोल ए से सिलेक्ट, इसको ट्रांसलेट टूल से मैं कर देता हूँ जेड डायरेक्शन में, कुछ बेस लिंक ओके, इसी को वर्टिकल हाइट दे देते हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टोरे बनाना है तो वाई डायरेक्शन, 10 स्टोरे बना लेते हैं, ईच स्टोरे 3 मीटर लिंक ओके। ये बीम डिलीट कर देते हैं, फुटिंग वाले बीम है, यहाँ पे हम लगाएंगे सपोर्ट, तो जनरल सपोर्ट उसी के बगल में यहाँ से क्रिएट किया, बिल्डिंग में फिक्स सपोर्ट होती है, फिक्स पे क्लिक किया तो हमारा कर्सर नोड कर्सर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हमने सारे नोड ड्रैग करके सिलेक्ट किए और असाइन कर दिए सपोर्ट। प्रॉपर्टी में गए हम, फिर प्रॉपर्टी में जाने के बाद फिर हमने यहाँ डिफाइन पे क्लिक करेंगे, डिफाइन में क्लिक करने के लिए रेक्टेंगुलर सेक्शन दे देते हैं, बीम के लिए दे देते हैं हम, डेप्थ हो गई हमारी 500 और विड्थ हो गई 350 mm, ठीक है, यह है बीम के लिए। कॉलम के लिए देते हैं 500 by 500 के कॉलम। तो यहाँ सबसे पहले प्रॉपर्टी सिलेक्ट करी बीम की हमने और इसको बीम पे अप्लाई करना है सभी, तो कैसे करेंगे, मैंने सिलेक्ट टूल में गया, बीम पैरेलल टू एक्स, सिलेक्ट टूल में दोबारा गया बीम पैरेलल टू जेड, क्योंकि हमारे बीम एक्स और जेड में के पैरेलल है, ठीक है, तो हमारे सारे बीम सेलेक्ट हो चुके हैं और ये प्रॉपर्टी हमने इसको असाइन कर दी, यानी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है बीम के ऊपर चली गई, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी हमें देनी है कॉलम के ऊपर, तो हमने पहले प्रॉपर्टी सेलेक्ट की, सेलेक्ट बीम पैरेलल टू वाई असाइन, ठीक है। अब हम देते हैं लोड, तो लोड केस पे क्लिक किया, ऐड किया, फर्स्ट डेड एड देन लाइव ठीक है, क्लोज कर दिया, डेड पे क्लिक किया, सेल्फ वेट दे देते हैं, इधर देखिए सेल्फ वेट, वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में, वन का मतलब एक्चुअल वेट, एड माइनस वन का मतलब डाउन, और फ्लो लोड दे देते हैं ठीक है, माइनस फाइव जीरो टू, देखिए फ्लोर लोड जो हमें लगाना है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लगना है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे स्लैब्स आ रही हैं, तो रेंज हमें यहाँ से यहाँ तक देंगे, ये मिनिमम हो गया आपकी और ये मैक्सिमम। तो मैंने नोट कर्सर लिया और यहाँ पे क्लिक किया डबल क्लिक, तो मिनिमम रेंज कितनी है आपकी 3 मीटर, और जब मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मिनिमम रेंज कितनी 30, तो 3 से 30 3 टू 30, और यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है, ऐड क्लोज,
सेल्फ वेट को असाइन टू व्यू कर देते हैं, सेल्फ वेट हमेशा असाइन टू व्यू होगा, ठीक है, असाइन टू व्यू सभी पे लग जाएगा, मतलब इसको असाइन की जरूरत नहीं है, लग चुका है। लाइव लोड के अंदर एक फ्लोर लोड लगा लेते हैं हम 3 किलोमीटर पर मीटर का, 3 से 30 रेंज हमने बताया ना, एड फ्लोर, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सीज़मिक स्टैटिक मेथड। तो सबसे पहले हम किस पे जाते हैं, डिफाइन, डिफाइन में सीज़मिक, ठीक है, लोड एंड डेफिनेशन, डिफाइन डेफिनेशन, फिर डेफिनेशन से सीज़मिक, सीज़मिक से फिर हम कहाँ जाएंगे, एड। तो 1893 कोड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें कोड सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद हमें जनरेट पर क्लिक करना होता है। तो ये मेरे स्टैट में एरर है, लास्ट में बता चुका हूँ, तो यहीं पे इनपुट कर लेते हैं। हम बात करते हैं जॉन की, तो मैंने आईएस कोड खोला हुआ है, देखिए ये आईएस कोड, तो ये आईएस कोड में देखिए जॉन्स के बारे में दिया हुआ है, जॉन 2, 3, 4, 5। तो जहाँ आपकी बिल्डिंग है उस जो, जैसे मेरे को दिल्ली में बनानी है, यहाँ पे दिल्ली है ग्रीन, यानी कि जोन 4, ये किसमें है हमारी, जोन 4 में देंगे, है ना। तो अर्थक्वेक इंटेंसिटी और प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, कहाँ पे फॉल्ट ज़्यादा है, कहाँ अर्थक्वेक आने की संभावना ज़्यादा है, उसके हिसाब से जोन में डिवाइड किया हुआ है इंडिया। और मैं दिल्ली NCR में बिल्डिंग डिजाइन कर रहा हूँ, दिल्ली NCR के लिए जोन 4 मैंने ले लिया। तो जोन 4 का फैक्टर होता है आपका 0.24, ठीक है। रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, देखिए रिस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, होता क्या है, सर क्या है ना गूगल पर देखिए क्या कह रहा है। इलास्टिक फोर्स रिजल्टेंट इन RC फ्रेम मेंबर एंड रिड्यूस एन एप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ R अकाउंट टू ओवर सेंट्रल डक्टिलिटी इन द डिफिकल्ट कंपेयर टू R वैल्यू ऑफ रोस्टर डिफरेंट कोड बिकॉज डिफरेंट फिलोसफी ऑफ द सेफ्टी ऑफ द लोड डिजाइन ऑफ द कैटेगरी। देखिए होता क्या है ना, इलास्टिक बिहेवियर और डक्टिलिटी बिहेवियर की वजह से कुछ एनर्जी हमारी डिसिपेट हो जाती है, अब्जॉर्ब कर लेता है स्ट्रक्चर, तो अगर इसलिए हम थोड़ा सा उसके लोड में रिडक्शन करते हैं। अगर हम फुली लोड ले लेंगे तो इकोनॉमिकल नहीं होगी बिल्डिंग, ठीक है। तो इसीलिए स्पेशल मूवमेंट रेस्टिंग फ्रेम जो होते हैं ना RC, उनके लिए हम लेते हैं 5 रिस्पॉन्स रिडक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 5। इंपॉर्टेंस फैक्टर बता चुका हूँ, दो तरह के फैक्टर होते हैं, जनरल और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट यानी जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग है जिनमें पैसा और लाइफ का ज़्यादा लॉस होगा, जैसे कि डैम हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो इन स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज़्यादा रहता है, तो 1.5 ले लेते हैं। और जो जनरल बिल्डिंग है, रेजिडेंट बिल्डिंग है, उनको 1 लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिया हुआ है। सोइल, सोइल होती है 3 टाइप की, सॉफ्ट मीडियम हार्ड। सॉफ्ट के लिए 1 लेते हैं, हार्ड के लिए 2, और सॉफ्ट के लिए सॉइल 1, मीडियम के लिए 2, हार्ड के लिए 3। तो मैंने सॉफ्ट ले ली 1। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमारा RCCS के लिए 1 होता है। डैम्पिंग रेशियो मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है जो ऑक्सीडेट होने से रोकती है स्ट्रक्चर, ठीक है। कंक्रीट की वो 5% होती है, 0.05, स्टील के लगभग 2% होती है, ओके। बस हम इसको ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद सीधा क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक लाइन आ चुकी है सीज़मिक की, ठीक है, यही आपकी एडिटर में भी आ चुकी होगी, यही लाइन कहाँ आ चुकी होगी आपकी एडिटर में। इसके बाद क्या करना होता है, हमारे IS कोड कहता है जो हमने लोड यहाँ पे लगाए हैं, डेट और लाइव लोड, ये दोनों कहाँ जाएंगे, इसके नीचे। मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि जब अर्थक्वेक आता है तो हमारी बिल्डिंग का जो मैथमेटिकल मॉडल है वो इस तरह से है कि जो सारा फोर्स है हमारा, सारा जो बिल्डिंग का वेट है वो कॉन्सेंट्रेट हो जाता है ईच फ्लोर पे, यानी कि ये हो गया हमारा मास 1, ये हो गया हमारा मास 2, ठीक है। इस तरह से मास 3, मास 4, मास 5, मास 6, और ये जो कॉलम है ये बिहेव करते हैं एक वेटलेस स्प्रिंग की तरह पे, ठीक है, ठीक है। तो अगर हमें इस पर वेट निकालना है कि फ्लोर पर कितना वेट कंसिडर करेगा अर्थक्वेक में, तो वो होता है आधा इन कॉलम का वेट, आधा ऊपर वाले कॉलम का वेट, यानी कि फुल हो जाएगा, और यहाँ पर जो स्लैब और बीम है उनका लोड, ठीक है। तो इस तरह से ये सेम होगा, ये सेम होगा, ये सेम होगा, क्योंकि देखिए अगर मैं इसका निकालता हूँ इस पर कितना लोड होगा, तो आधे कॉलम ये, आधे कॉलम ये, अगर कॉलम यूनिफॉर्म है
तो और कॉलम बीम और स्लैब का साइज सेम है, तो ये लोड हमारा सब इक्वल आएगा, केवल रूफ को छोड़ के। रूफ पे थोड़ा कम आएगा, रूफ के ऊपर कॉलम नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लोड जो है इसके नीचे कॉपी करनी है, तभी ये जो डेफिनेशन है वो ऐसे मास को ऐसे हर फ्लोर पे कंसंट्रेट करेगी, ठीक है। अभी किसी ने कमेंट में लास्ट वीडियो में पूछा था कि हम जॉइंट लोड लेते हैं, तो देखिए या तो जॉइंट लोड ले लीजिए या आप बीम कॉलम का वेट ले लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो एडिटर में चलते हैं, देखो ये एडिटर तो आईएस कोड कहता है कि अगर लाइव लोड हमारा 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम या उसके बराबर है, तो लाइव लोड जो पार्टिसिपेट करेगा हमारा सिस्मिक लोड में वो केवल 25% करेगा, और वो लाइव लोड 3 से ज्यादा है तो 50% करेगा, ठीक है। देखिए ये है हमारा सिस्मिक डेफिनेशन जो हमने दिए, और हमारे जो डेड लोड है वो ये है, ठीक है, और लाइव लोड जो है हमारे सिस्मिक डेफिनेशन, ये डेड लोड है और ये हमारा लाइव लोड है, तो ये दोनों चीजें हमें कॉपी करनी है यहाँ पे, ठीक है। कॉपी करनी है, कट नहीं करनी है, क्योंकि वो लोड तो वहाँ पे रहेंगे ही जो स्टैटिक लोड है, ये तो स्टैटिक लोड है ना हमारे सारे, हम डायनामिक लोड बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ एंटर मार लेता हूँ, स्पेस दे दिया। अब ये क्या किया हमने, कॉपी किए ये डेड लोड, ठीक है, ये डेड लोड मैंने कॉपी की, ये लाइन कॉपी नहीं करनी है, ठीक है, केवल ये डेड लोड कॉपी करके पेस्ट कर दिए, कॉपी और पेस्ट, ठीक है। इसी तरह मैंने जो लाइव लोड है, ये जो लाइव लोड है, इनको भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये डेड लोड हमने कॉपी किए हैं और ये लाइव लोड कॉपी किए हैं। अब इनमें कुछ चेंज करना है, देखिए, क्योंकि हम कह रहे हैं कि मास में कन्वर्ट कर रहे हैं बिल्डिंग को, तो मास और फोर्स में डिफरेंस क्या होता है, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होती और फोर्स में होती है, तो यहाँ पे जो वाई है, जी वाई, ये डायरेक्शन और नेगेटिव साइन डाउनवर्ड का डायरेक्शन को हटा देते हैं, तो -1 स्क्वायर फीट में से वाई हटा दिया, इसमें से मैंने माइनस और जी वाई हटा दिया, जी वाई और माइनस, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे जो फ्लोर लोड होता है उसको हम कर देते हैं फ्लोर वेट, और यहाँ पर भी, ठीक है। अब आईएस कोड क्या कहता है, तो मैंने कहा लाइव लोड को 25% लेना है, तो ये 3 है, 3 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर लगाया हुआ, तो 0.75 कर देते हैं। तो हमने क्या किया, लोड कॉपी किया, कुछ चेंजेस किए, ठीक है, सेव करके बाहर आते हैं, देखिए। अब डेफिनेशन ओपन करके देखते हैं, तो लोड हमारे इसके नीचे आ चुकी है, ठीक है। अब क्या करना है, ये क्या कहता है कि हमें 2 लोड केस चाहिए अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि एक इस डायरेक्शन के लिए फोर्स कैलकुलेट करने के लिए और एक जेड के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, लोड केस पे ऐड किया और ऐड किया सिस्मिक ई क्यू एक्स, ठीक है, और एक किया सिस्मिक ई क्यू जेड, 2 लोड केस मैंने बना लिए, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि जो हमारे स्टैटिक लोड केस हैं, वो डायनेमिक अर्थक्वेक लोड केस हैं, ये दोनों डेड लोड से पहले आने चाहिए, तभी एनालिसिस होगा हमारा। तो मैं गया एडिटर में, राइटर में देखिए, दोनों लोड हमारे ये रहे, इन दोनों को मैंने कट किया और जो मैंने लोड वन है उसके ऊपर पेस्ट कर दिया और इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया, सेव करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए EQX और EQZ यहाँ पे टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, EQX पे क्लिक करना है और फिर ऐड पे जाना है, ठीक है, और यहाँ पे हमें ऐड करना है सिस्मिक लोड, ठीक है। तो सिस्मिक को क्लिक किया, एक्स डायरेक्शन है, फैक्टर 1 है, ठीक है, क्योंकि हमारी ये एक्स डायरेक्शन है और ये भी हमारी एक्स डायरेक्शन है, ऐड कर लिया क्लोज। इसी तरह जेड में ऐड किया
सिज्मिक जेड एट क्रॉस, ये हो गया सिज्म स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, एंड इसके लिए करते हैं प्रिंट ऑल और एनालिसिस। यहाँ पे क्लिक करके आउटपुट खोल लेते हैं और देखते हैं लेटर कोर्स आया है या नहीं। सर्च में करते हैं लेटर, फिर लेटर कोर्स आ चुका है हर फ्लोर पे, हर फ्लोर पे कितना लोड है, फर्स्ट फ्लोर पे इतना लोड लग रहा है, बेस शेयर इतना है हमारा, ठीक है। ये के सीज में अब स्टैटिक, स्टैटिक के लिए क्या करना है, हमें दो लोड केस बनाने हैं, सीजमिक डायनामिक, सॉरी डायनामिक के लिए डायनामिक इन एक्स एंड डायनामिक इन जेड, ठीक है। अब डायनामिक इन एक्स पे हमें क्या करना है, सारे लोड कॉपी करने हैं। देखो होता है क्या, डायनामिक में क्या करना होता है कि जितने भी बिल्डिंग का वेट है वो सारा एक डायरेक्शन में हम लगा के देखेंगे क्या होता है, जब वाइब्रेशन एक ही डायरेक्शन में आती है ना, सारे लोड एक डायरेक्शन, तो मैंने सारे लोड कॉपी करने हैं डी एक्स के नीचे, जिनकी डायरेक्शन चाहिए क्या कर देनी है एक्स, इसी तरह जेड में करना है। तो एडिटर से कर लेते हैं, बोला हमने एडिटर ये है आपका डेड लोड, कॉपी किया सिज्मिक डायनामिक एक्स के नीचे पेस्ट कर दिया, और ये है आपका लाइव लोड, ये भी कॉपी किया और ये भी पेस्ट किया। दोबारा जरा एक बार समझ लीजिए, ये जो है ना आपका जो नया अभी लोड केस बनाया डायनामिक के लिए, डायनामिक फोर्स इन एच डायरेक्शन, उसके नीचे मैंने डेड लोड लाइव लोड जो भी गिवन लोड तो सारे कॉपी कर दिए, ठीक है। अब क्या करनी है, मुझे जो वाई डायरेक्शन है उसको चेंज करना है एक्स में और माइनस हटा देना है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक्स डायरेक्शन, मैंने कहा ना सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन लगा के देखना डायनामिक में, यहाँ पर भी माइनस हटा दिया, यहाँ पर भी माइनस हटा दिया, और जी वाई को जी एक्स, क्योंकि इनकी डायरेक्शन है तो ये लोड के लोड रहेंगे। अब इनको कॉपी करके हम एक बार पेस्ट कर देते हैं जेड के नीचे भी, और इनकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी जेड, जो जेड के नीचे पेस्ट किए हैं, ठीक है। एक बार और बताया, तो स्टैटिक होने के बाद हमने दो लोड केस बनाए, सिज्मिक टाइटल डाला डी एक्स डायनामिक इन एक्स फोर, उसके नीचे डेड लोड और लाइव लोड कॉपी किए और डायरेक्शन सबकी कर दी एक्स और माइनस हटा दिया, इस तरह जेड के नीचे कॉपी किए डायरेक्शन कर दी जेड और माइनस हटा दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सिज्मिक एक्स पे डायनामिक एक्स पे क्लिक करके ऐड करना है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा, डायनामिक को हम रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं, यानी कि सिज्मिक डायनामिक फोर्स पे हमारे अर्थक्वेक बिल्डिंग के रिस्पॉन्स क्या है ना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें कोड सिलेक्ट करना है, कोड 1893, उसके बाद हमें मेथड सेलेक्ट करना है, कौन सा मेथड अप्लाई करें, जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे सही मेथड है वो सी क्यू सी है, अभी बस इतना ही जानिए सी क्यू सी क्वाबिक कोऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन। उसके हमने यहाँ पे सोई कौन सी ली थी हमने, सॉफ्ट, ठीक है। उसके बाद डैम्पिंग हमारी ये थी, स्केल हमारा 1 होगा। तो हमने क्या क्या करा, कोड सेलेक्ट किया, मेथड सेलेक्ट किया, सोई सेलेक्ट की, डैम्पिंग वही रहेगी हमारी, स्केल 1 रहेगा। अब जो मेन चीज़ है ये हॉरिजॉन्टल कोएफिशिएंट, ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, ये x बराबर होता है आपका z बाय टू इंटू एस ए बाई जी इंटू आई बाय आर, z क्या है, जोन फैक्टर आपका 0.24, जोन 4 के लिए 0.24, एस ए बाई जी इस सोइल और आपका टाइम पीरियड ऑफ बिल्डिंग पे डिपेंड करता है, एक ग्राफ में से देख लेते हैं, आई आपका रिस्पॉन्स आई आपका है इम्पोर्टेंस फैक्टर जो हमने बन लिया था, और आर क्या है 5। एक बार को हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो जेड बाई टू आई बाई आर, जेड क्या 0.24 इंटू 1 और 2 इंटू 5, आर रिस्पॉन्स फैक्टर था, तो ये क्या 0.024,
एक्स में 0.024 ऐड करते हैं, क्लोज। इसी तरह सेम एज जेड के लिए कोड सीक्यूसी सोइल सॉफ्ट डायरेक्शन जेड सेम वैल्यू आएगी फैक्टर 1 और ऐड क्लोज। बस ये हो चुका है, एनालाइज कर दीजिए। डन। तो अब सबसे पहले हम आउटपुट में जाकर देखते हैं कि मोड सेफ आए नहीं आए। सर्च करते हैं मोड, अभी सर्च स्क्रीन हो गई, यहाँ पे पेज काउंट चल रहा था, ठीक है। तो दोबारा से सर्च करते हैं मोड, ये आ गया। ठीक है, सिक्स मोड यानी कि सिक्स तरह पैटर्न है हमारे पास जिनमें हमारी बिल्डिंग वाइब्रेट करेगी, उनकी फ्रिक्वेंसी ये है और टाइम करिए है, ठीक है। अब इनको देखते हैं वाइब्रेट करके। तो आप चाहिए इस एनिमेशन पे, देखिए यहाँ पे आ चुका है, यहाँ मोड पे क्लिक करना, एनिमेशन पे क्लिक करने के बाद ये विंडो खुलेगी, इस विंडो में आपको मोड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट मोड, यानी कि फर्स्ट मोड में क्या है, हमारी बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी। यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ये आपका मोड, मैंने किया है सेकंड, बिल्डिंग ऐसे वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे वाइब्रेट कर सकती है, ऐसे वाइब्रेट। तो सिक्स पैटर्न है हमारे वाइब्रेशन के, ठीक है। अभी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा दिखा रहा है आपको, हमारी बिल्डिंग इतनी ज़्यादा वाइब्रेट करेगी तो कोलैप्स रहेगी, तो हमने इसका स्केल बढ़ाया हुआ है। तो इसका स्केल देखिए कैसे ठीक करते हैं, यहाँ पे जाएंगे स्केल, स्केल्स, स्केल से जाना है मोड से। अगर आप एक्चुअल वाइब्रेशन देखेंगे तो वन कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमने वन कर दिया, ओके कर दिया। अब एनिमेट करके देखते हैं, एक्चुअल में ऐसे वाइब्रेट होगी, फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, ठीक है। मोडिंग में जाते हैं, अब देखिए जनरल लोड एंड कॉम्बिनेशन, अब इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं, है ना। तो लोड के स्टेल पर क्लिक किया मैंने, ऐड किया, यहाँ ऑटो लोड कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहाँ पे इंडिया, जनरल स्ट्रक्चर, जनरेट पे क्लिक करेंगे तो देखिए कितने सारे कॉम्बिनेशन। अब इन कॉम्बिनेशन में जो मैक्सिमम एनिमल्स जनरेट होगी इसी के लिए डिजाइन करेगा, क्लोज। देखिए इतने सारे कॉम्बिनेशन बन चुके। तो ये था आपका स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। कोई भी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।